विचार करा माया माउल्यानु, विचार करा माया माउल्यानु, विचार करा माया माउल्यानु, तिमाई कशी होती जिने पदरात समाड़ी ले भीवाला कि मेरा ये कशी होती। विचार करा माय माउल्यानू ती माई कशी होती जिने पदरात समाड़ी ले भीवाला ती मिराई कशी होती। तुम्ही पण बाया आहात ती एक बाई होती लोक रडले जिच्यासाठी लाखाने ती रमाई कशी होती। लाखाने रडले जिच्यासाठी ती रमाई कशी। एक एक शब्द माय माउल्यानू जर का बाबा साहेबाच्या जीवनात रमाई आली नसती तर कदाचित बाबा साहेब तुमचे आमचे बाबा झाले नसते। झाले असते का? झाले असते का? बाबा साहेब तुमचे आमचे बाबा झाले या देशाचे घटनाकार झाले शिल्पकार झाले कुणामुळे झाले? कुणामुळे? रमाईच्या त्यागामुळे झाले। जर का बाबासाहेबाच्या जीवनात जर का रमाई ने प्रवेश घेतला नसता बाबासाहेबाच्या संसारात तर कदाचित तुम्ही आम्ही अजूनही तिथंच असतो जिथं काल होतो। कळत आहे का? अरे कळत आहे का? कळत आहे? विषय कळत आहे? कोणाकोणाला कळतंय जर हात वरती उचलावर? म्हणजे कळत आहे म्हणायचं आहे माय माउल्यानू जर का रमाईने आतोनात कष्ट केले नसते मेहनत केली नसती तर कदाचित बाबासाहेब तुमचे आमचे बाबा झाले नसते। झाले असते का? नाही। हो किंवा नाही? हो किंवा नाही? हा जास्त वेळ न घेता रमायला सुरुवात करतोय। एक एक शब्द ऐकावे। क्या है ना मेरा मूल नहीं लग रहा है, अगर तुम लोग मेरा मूल बनाओगे ना तो मूल बन जाएगा। कळलं का? आणि रमाई सुरू करण्या अगोदर फक्त एकच विनंती करतो जेव्हा मी खाली येईल ना तेव्हा फक्त मला पैसे नको तुमचा आशीर्वाद पाहिजे। काय पाहिजे? तुमचा आशीर्वाद। मला इथे येऊन एकाएकाने आशीर्वाद द्यायचा आहे पैशाची गरज नाही। बरं का? कळलं ना? कि गाळा संसार त्या रमाईने कि गाळा संसार गाळा संसार राजावाता मामा गाळा संसार राजावाता। कमाई रमाई अनमोल चंद्राची कमाई रमाई अशी दुनियेत अनोखी करुणाई रमाई प्रणय होते बाबा साहेब ज्ञानाचा महासूर्य सूर्या भोवती फिरणारी चंद्राई आई
रमाई रमा आई रमा रमा आई रमा आई रमा रमाईने काळा संसार काळा अरे ज्या ज्या महिलाला रमाई कळली नाही खरोखर सांगतो मला पैसे नको मला आशीर्वाद डोक्यावर घातून द्यायचं बस इथून तुमचा आशीर्वाद घेऊन जाणार समोर माझं नाव होणार खूप रमा काळा संसार काळा संसार राचा वाहता काळा संसार राचा वाहता काळा संसाराचा वाहता रमाई माझी थकलीच नाही काळा पैसे तुमच्या आशीर्वादानं रोजच कमवून राहिलो प्रोग्राम रोजच आहे परंतु आशीर्वाद फार गरजेचा असतो क्योंकि बहुत कमी है तुझमें तू कुछ ऐसा कर बहुत ये मैं खुद के लिए कह रहा हूँ किसी और के लिए नहीं बहुत कमी है बेटा स्वप्निल तुझमें तू कुछ ऐसा कर और रोज किसी बुजुर्ग के साए में बैठा कर वाह वाह हे काला संसार हे रमा हे आई ग काला संसार राचा वाता रमाई माझी थकलीच नाही आजी काळा संसार राचा वाहता रमाई आपली थकलीच नाही काळा संसार राचा वाहता रमाई आपली थकलीच नाही मामा भैया भैया इसकी गेन बढ़ाओ ना हेलो चेक ये बात मामा ये मतला मैंने किया है ये मतला मेरी जहन की उपज है ये मतला मैंने लिखा है मगर इसका मकता प्रणय भाई ने लिखा है सुनिएगा कंपोजिशन भी मेरी है कि काला संसार राजा वाहता रमाई आपली थकलीच नाही आणि मग कष्ट उपसिले कष्ट उपसिले दुःख साहिले कष्ट उपसिले दुःख साहिले कष्ट उपसिले दुःख साहिले जीवनी रमाई खचलीच नाही कष्ट उपसिले Oh,
बोलले रमाने 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 कष्ट उपसिले। मेरे बोल खत्म होने के बाद तिरकिट से उठते कष्ट उपसिले दुख सहिले जीवनी रमाई खतुली जनाई कष्ट उपसिले हकीकत है कोई भरम नहीं है दादा थोड़ी गेन वाला ना थोड़ी दादा थोड़ी गेन वाला ये हकीकत है कोई भरम नहीं है और प्रणय के जिंदगानी में कोई गम नहीं है। ये हकीकत है कोई भरम नहीं है प्रणय के जिंदगानी में कोई गम नहीं है ये सच है मां रमा तेरा दूध नहीं पिया हमने मगर महाड़ का पानी तेरे दूध से कम नहीं है। जीवनी रमाई खतलीच नाही आणि जीवनी रमाई थकलीच नाही एक एक शब्द जीवन प्रवास त्या रमाईचा त्या माझ्या रमाईचा त्या आपल्या रमाईचा जीवन प्रवास खडतर होता मामा जीवन प्रवास खडतर होता केला तरी पूर्ण तिने जीवन प्रभास खडतर होता केला पूर्ण तरी तमा असुनी तुम्हाला माहिती आहे का रमायला तमा होता म्हणून दमा असुनी हा दमा असुनी आपली रमाई दमा असुनी आपली रमाई जीवनी कधी दमलीच नाही ये निराली सारी दुनिया में तुम्हारी शान है बाबा साहब शायर समीर दिलकश आरवी लिखते हैं समीर भाई सुनिएगा तुम्हारे नाम पे ये जिंदगी कुर्बान है बाबा साहब तुम्हारे नाम पे ये जिंदगी कुर्बान है बाबा साहब निराली सारी दुनिया में तुम्हारी शान है बाबा साहब संविधान की बदौलत यह जी रहे हैं सब भारत के बच्चे बच्चे पर तुम्हारा एहसान है बाबा साहब जीवनी कथी
माता रमाईला तमा असुनी तमा असुनी। मगर समीर भाई ये चार लाइन आपके लिए नजर कर रहा हूँ, वो मुस्लिम दोस्त है मेरा दोस्ती में उभरता है। शेर सुनिएगा मेरी जान, वो मुस्लिम दोस्त है मेरा समीर भाई, वो मुस्लिम दोस्त है मेरा दोस्ती में उभरता है, प्रणय मोहब्बत के आईने में सवरता है। वो मुस्लिम दोस्त है मेरा दोस्ती में उभरता है, प्रणय मोहब्बत के आईने में सवरता है। ये सब मेरे बाबा साहब की संविधान की बदौलत है यारो, मैं आदाब करूं वो जय भीम करता है। कदी तमली जनाई भाई। एक शेर नजर करूंगा फिर आपके लिए, क्योंकि आप आने के थे, मैंने शेर कह दिया था मगर फिर रिपीट कह रहा हूँ। क्या तमा असुनी तमा, ये इधर सब मेरे रिलेटिव रहते भैया, अहले खानदान इधर मिलेंगे, इसलिए कैसा है मेरे फैमिली के लोग, बहुत सारे लोग मुझे सुनने आए। समीर भाई शेर सुनना। मैं तिरंगे में अपनी जान रखता हूँ, प्रणय सतलज लिखते हैं नागपुर से। मैं तिरंगे में अपनी जान रखता हूँ, प्रणय लबों पर राष्ट्रगान रखता हूँ। मैं तिरंगे में अपनी जान रखता हूँ, प्रणय लबों पर राष्ट्रगान रखता हूँ। सच्चा भारतीय मुसलमान हूँ, इसलिए कुरान के साथ साथ संविधान रखता हूँ। और समीर भाई ये शेर नजर कर रहा हूँ, आईना मोहब्बत का टूट सकता नहीं कभी। ये मेरे समीर भाई के लिए, जितने मेरे मोमिन भाई होंगे सबके लिए। आईना मोहब्बत का टूट सकता नहीं कभी, हाथों से तिरंगा प्रणय के छूट सकता नहीं कभी कभी। आईना मोहब्बत का टूट सकता नहीं कभी। क्या है ना यार, मेरा मूड नहीं लग रहा है आज, मगर अगर जिस बार अगर मेरा मूड लग जाए ना हल्का भी, कसम से बता रहा हूँ एक एक चीज सुना के जाऊंगा, आरबी वाले मेंटल करके जाऊंगा अगर मूड लग गया तो। सुनिएगा समीर भाई, कि मोहब्बत का आईना टूट सकता नहीं कभी, हाथों से प्रणय के तिरंगा छूट सकता नहीं कभी। ये धरती फट जाए, सूरज टूट जाए, पर जय भीम और जय भीम का रिश्ता टूट सकता नहीं कभी। Oh,
सतलज तुम्हारा दोस्त है तो मैं दुश्मन हूँ। समीर भाई, मैंने पहले ही कहा कि जय मीम और जय भीम का रिश्ता टूट सकता नहीं कभी, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि समीर भाई, एक शेर नजर कर रहा हूँ, अपनों की गर्दनों को सलीके से छाट कर, बढ़ना नहीं आगे मुझे भाई के रास्ते को काट कर। अपनों की गर्दनों को सलीके से छाट कर, बढ़ना नहीं है आगे मुझे भाई के रास्ते को काट कर। गुमनाम हूँ मैं, मेरे ख्वाजा का एहसान है मुझ पर, मशहूर नहीं होना है किसी के तलबों को चाट कर। कामडी सर, 229 बरोबर आहे चे भावी आमदार, आणि समोर काय लिहिलं थोडे अक्षर स्पष्ट करून मोठ्या अक्षरात पाठवा, आणि नाव घेण्यात जर चुकी झाली असेल तर पैसे देऊन दुरुस्त करू शकता। तमा असुनी 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 तमा असुनी हे मा, वैसे वैसे कमलेश भाई मेरे बहुत जिगरी दोस्त है, बड़े भाई कमलेश भाई। हे तमा असुनी अपली रमाए जीवनी कधी दमलीच नाही। जय भीम वाले हैं हम, कुछ और बात रखते हैं। ये शेर मेरा इंस्टाग्राम पर लोक जत्रा चैनल से, ये रील्स मेरी इंस्टाग्राम से लोक जत्रा चैनल से 5 मिलियन हो गई है, 5 मिलियन। पता है किसी को सुना है आपने? जय भीम वाले हैं हम, कुछ और बात रखते हैं। वक्त आने पर दुश्मन के सर पे हाथ रखते हैं। जय भीम वाले हैं हम, कुछ और बात। वक्त आने पर दुश्मन के सर पे हाथ रखते हैं। अबे भीमा कोरे गांव का बदला आज भी ले सकते हैं, मगर पाटिल गौतम बुद्ध के घराने से ताल्लुकात रखते हैं। रमाई जीवनी कदीरे तबलीस नहीं, एक एक शब्द है कवा, एक एक शायर ने किस तरह से लिखा है, एक एक लफ्ज़। तमा असुनी अपली रमाई जीवनी कदीरे तबलीस नहीं, का स्वार्था साठी ए स्वार्थी लोकांनो, हे स्वार्था साठी विसरणाऱ्या रो, स्वार्थासाठी माता रमाला विसरणाऱ्यानु ऐका तुम्ही। पदरामदे तिचा मारमाचा, पदरामदे तो सूर्य असुनी, पदरामदे तो सूर्य असुनी।
रमाई पशी बाबा साहेब होते बाबा साहेब। अरे पदराम दे तो सूर्य असूनी स्वार्थी कधी ही पंडलीच नारी। हे पदराम दे तो सूर्य स्वार्थी कधी बनली नाही। आणि मग एक एक शब्द ऐकावा माय माऊलींनू, अशी रमाई तुम्हाला ऐकायला मिळणार नाही। रेकॉर्डेड रमाई ऐकायला मिळतील परंतु अशी रमाई मिळणार नाही। कोटी मुलांची कोटी मुलांची आई झाली माता रमाई। हे कोटी मुलांची आई झाली कारण त्याचे एकच आहे। प्रश्न करतो तुम्हाला, प्रश्न काय कारण असेल, काय कारण असेल? त्या कोटी मुलांची आई झाली कारण त्याचे एकच आहे। पण कधी कारण त्याचे एकच काय? कारण कधी कुणाच्या कधी कुणाच्या दुखावरती कधी कुणाच्या दुखावरती आई रमाई हसलीच नाही। मेरी जान, मेरा छोटा भाई नागपुर की जान, भारत के मशहूर और मारूफ शायर बॉलीवुड लिरिसिस्ट प्रणय सतलज लिखते हैं। क्या 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 एक्सप्रेशन, खाली गायकी और प्रबोधन के पैसे नहीं लेता स्वप्निल एक्सप्रेशन। कधी कुणाच्या कधी कुणाच्या दुखावरती कधी कुणाच्या दुखावरती आपली रमाई हसलीच नाही। कारण कधी कुणाच्या आपली रमाई कधी कुणाच्या दुखावरती कधी कुणाच्या दुखावरती आपली रमाई हसलीच नाही। जिस जिसके पास में भी मोबाइल होगा अपने अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन करें। टॉर्च ज्याच्या ज्याच्या पाशी एंड्रॉइड मोबाइल असेल त्यांनी टॉर्च ऑन करायचा आहे आता जस्ट नाउ। टॉर्च सगळ्यांचे टॉर्च ऑन झाले पाहिजे, इकडे सगळ्यांचे टॉर्च ऑन झाले पाहिजे आणि असं असं हलवायचं आहे त्याला। मेरे एक्सप्रेशन पे तवज्जो। हा आणि ये जो एक्सप्रेशन मैं लेने जा रहा हूँ इसको एक रील्स बना करके इंस्टा पे मुझे मेंशन करे स्वप्निल मेश्राम 11 इंस्टाग्राम आईडी।
मेरे को मेंशन करे स्वप्निल मेश्राम 11 इंस्टाग्राम आईडी मुझे मेंशन करे मैं मेंशन बैक देता हूँ। क्या एक्सप्रेशन नोट करे कदी गुनाचा कदी गुनाचा कदी गुनाचा दुखावरती कदी गुनाचा दुखावरती। एक लाइन कधी कुणाचा दुखावरती आपली रमाई कधी आरवी वालों नागपुर जाकर के मैं बताऊंगा कि आरवी वालों ने कितनी मोहब्बत दी है। टॉर्च ऑन और उसको ऐसा हिलाए कदी कुणाचा कदी कुणाचा हाँ दुखावरती कदी कुणाचा दुखावरती अपली अपली रमाई हसलीच ना रमा 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 ग रमा ग आए रमा रमा ग आई एक लय में रमा 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 ग आई आता शेवट शेवट आहे बरं का ऐका रमायचं एक एक बोल एक एक शब्द कोणाकोणाला माहित आहे रमाईला क्षयरोग होता माहिती आहे कोणाकोणाला माहिती आहे रमाला रमाईला क्षयरोग होता आता ऐका बघा भाऊ क्षयरोगाचा क्षयरोगाचा रोगापासून क्षयरोगाचा रोगापासून माता रमाई हरली पण रे क्षयरोगाच्या रोगापासून माता रमाई हरली पण रे हरली 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 रमाई क्षय रोगाच्या रोगापासून माता रमाई हरली पण रे पण पण क्षयरोगाच्या रोगापासून माता रमाई हरली पण रे पण गरिबीचे अन्न गरिबीचे अन्न त्या दुःखाचे क्षयरोगाच्या रोगापासून माता रमाई हरली पण रे गरिबीचे अन्न त्या दुःखाचे गरिबीचे अन्न त्या दुःखाचे अबे युद्ध कधी हरलेच ना हे गरिबीचे युद्ध कधी क्षयरोगाच्या रोगापासून माता रमाई हरली पण रे गरिबीचे अन्न गरिबीचे अन्न त्या दुःखाचे युद्ध कधीही हरलीच नाही
शेवटची अंतरा यानंतर रमाई ऐकवणार पूर्ण एकदा एक रमाई पण ती रमाई माझ्या बाबाची लिहिलेली रमाई जी माझी युट्यूबवर फेमस आहे बळोद्यावरून आलो परोतीने कोणी ऐकले ते रमाई तुमच्या मोर मांडणार परंतु गीताचा शेवट म्हणायचं आहे काय गौतम भाऊ शेवटी प्रणय सतलज लिहितात काय वारसदार हे रमा वारसदार केले आम्हाला वारसदार केले आम्हाला मगता दी की कैसा लिखा है प्रणय भाई ने वारसदार केले आम्हाला बेया सुखाचे स्वप्नील बाबू वारसदार केले आम्हाला या सुखाचे स्वप्नील बाबू वारसदार केले आम्हाला या सुखाचे स्वप्नील बाबू वारसदार थोड़ी जगह रखना बीच में जाने के लिए वारसदार केले आम्हाला या सुखाचे स्वप्नील बाबू वारसदार स्वप्नील बाबू तिने जगविले प्रणयलापन तिने जगविले प्रणयलापन जिने स्वतःचे सगळेच नाही तिने जगविले वारसदार वारसदार नेटवर्क नहीं बोल रहा वारसदार केले आम्हाला केले की नाही केले वारसदार केले आम्हाला बेटा पवन संतोष गौतम भाऊ मैं बीच में इसलिए घुसा हूँ मेरे को डबल डबल कमाई हो रही है मेरी डबल कमाई मतलब आशीर्वाद तो एक बड़ी दौलत है मगर ये दौलत भी मिल रही है ये डबल कमाई है वारसदार भैया आज तक के बहुत कव्वाले यहाँ पर आके खाके गए होंगे मगर स्वप्निल जैसा हाँ मेरी बचे नहीं है बेटा तुमको कोई काम वारसदार केले आम्हाला भैया सुखाचे स्वप्नील बाबू भैया ये चार लाइन का स्टोरी बना ले इंस्टाग्राम पर और मेंशन करे कि वारसदार केले मेरे को मेंशन करना स्वप्निल मेश्राम 11 इंस्टाग्राम आईडी और थोड़ा फॉलो भी कर देना स्वप्निल मेश्राम 11 को तुम्हारी दुआ से फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे वारसदार केले आम्हाला या सुखाचे स्वप्नील बाबू वारसदार केले आम्हाला या सुखाचे स्वप्नील बाबू वारसदार केले आम्हाला या सुखाचे
कबीले तिने ज कबीले प्रणयला तिने ज कबीले प्रणय सत लिहिता तिने ज कबीले प्रणयला तिने जगविले प्रणयला पण पिछचे स्वतःचे जगले तेना